श्री विष्णु पुराण ओम की कथा महान जय श्री विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण प्रगटे कब तीन लोक जन्म मृत्यु हर शोक पृथ्वी पुराण में है निहित जप तप और योग ध्यान विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण। मैं माँ हूँ, धरती माँ। सत्य के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर कोई सत्य का अंत नहीं कर सकता। हार असत्य की ही होती है। विधान है कि जो दूसरों का बुरा करने चलता है स्वयं उसी का बुरा हो जाता है। संसार की कोई शक्ति ईश्वर की शक्ति से टक्कर नहीं ले सकती। मैंने ये भी देखा और ये भी देखा कि ईश्वर पर अडिग विश्वास रखने वाला कितना उदार होता है, कि अपना बुरा चाहने वालों को भी क्षमा कर सकता है। सिंहिका के कहने पर आह्लाद ने प्रहलाद को मारना चाहा, परंतु मृत्यु ने स्वयं आह्लाद को दबोच लिया और ये देखकर तो स्वयं मेरी आंखें भीग गईं कि प्रहलाद ने भगवान श्री विष्णु के समक्ष हाथ पसार कर आह्लाद के जीवन की भीख मांगी और भगवान ने सदा की भांति इस बार भी प्रहलाद की विनती सुन ली। सिंहिका आह्लाद की मृत्यु का समाचार सुनकर पथरा गई। देखना यह है कि आह्लाद को जीवित पाकर उसके मन का मैल धुलता है कि नहीं। देखा कमलनयन, जब मेरे पुत्र को मारने की योजना बना रही थी तो तनिक भी दया नहीं आई थी उसके नेत्रों में, और अब अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार है तो कैसा विलाप कर रही है। यही तो विधि का विधान है महादेवी। जो दूसरे को दुख देकर हंसता है, होनी उसे दुख देकर 100-100 बार रुलाती है। इसलिए दूसरों को दुख देने से पहले इतना अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि इसी दुख का वज्र अपने सिर पर गिरे तो क्या होगा। महादेवी, जिस प्रकार बिच्छू को यह ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को नहीं स्वयं उसे भी चुभ सकता है, उसी प्रकार एक दुष्कर्मी को भी यह ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है। परंतु महादेवी, सिंहिका तो अभी इस बात से अनजान है कि आह्लाद जीवित है। जान लेगी तो भी कौन सा प्यार उड़ेल देगी मेरे पुत्र पर। सुना नहीं आपने, अग्निदेव की सौगंध खाकर कह रही है कि मेरे पुत्र प्रहलाद को भस्म करके ही दम लेगी। कहने में क्या जाता है महादेवी, कहा तो उसने ये भी था कि सर्प कुंड के नाग प्रहलाद की मृत्यु का कारण बनेंगे, पर परिणाम क्या हुआ। परंतु हे कमलनयन, मेरी समझ में नहीं आता कि अग्निदेव को सिंहिका को ऐसा वरदान देने की क्या आवश्यकता थी। महादेवी, अग्निदेव तो ये भली भांति जानते हैं कि भोले शंकर ने जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य को वरदान दिया था उसका परिणाम क्या हुआ। अग्निदेव ये भी देख ही रहे होंगे कि आदि प्रजापति ब्रह्मा ने जो वरदान हिरण्यकश्यपु को दिया उसका क्या परिणाम हो रहा है। यदि ये सब जानकर भी उन्होंने वरदान दिया है तो अवश्य ही कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा ना। आप तो बस आगे का घटनाक्रम देखकर आनंद लीजिए। युवराज, आप जीवित हो उठे। हाँ महामंत्री, मैं काल के जाल में समा कर लौट आया। ये तो चमत्कार हो गया युवराज, परंतु ये सब कुछ हुआ कैसे। ये सब मेरे प्रियानुज प्रहलाद की कृपा है। ये नया जीवन
मुझे मेरे अनुज ने उपहार में दिया है। परंतु मैं तो महाराज और महारानी को असुर लोक में आपकी मृत्यु की सूचना भी भिजवा चुका हूँ। यह तो बहुत बुरा हुआ अभ्राताशी। बुआशी आपकी मृत्यु का समाचार सुनकर दुख से पागल होती होंगी। तुम ठीक कहते हो अनुज, उन्हें तुरंत सूचना भिजवाइए कि यह सब कुशल है। जो आ गया युवराज। नहीं भ्राताशी, हमें स्वयं आसुरलोक पूछना होगा। वहाँ हाहाकार मचा होगा आपके मृत्यु के समाचार के उपरांत। बुआशी को आपके जीवित रहने के समाचार पर विश्वास नहीं होगा। उन्हें विश्वास उसी समय होगा जब वो अपनी आंखों से आपको जीवित देखेंगी। कितना सुख होगा उन्हें आपको देखकर। प्रातःशी चलिए, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अवश्य अनुज, अब तो मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। मेरा ये जीवन तुम्हीं ने तो लौटाया है। महामंत्री जी, हमारी यात्रा का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा है युवराज। मेरा पुत्र, हाय मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, हाय मेरा पुत्र। तुम क्यों विलाप कर रही हो? तुम्हारा पुत्र नहीं मरा, मेरा पुत्र मरा है। तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा पुत्र, ये तुम कह रही हो बहन सिंगी का? आलाद को मैंने तुम्हारी गोद में डाल अवश्य दिया था, उसे भूल जाने की चेष्टा भी की थी, पर उसे पेट में तो मैंने ही रखा था। मैंने उसे अपनी कोख से जन्म दिया था, उसे मैंने ही अपना दूध पिलाया था। वो मेरे ही शरीर का अंश था, वो मेरी आंखों का तारा था। हाँ हाँ था, परंतु उसकी हत्या भी तुम्हारे ही दूसरे पुत्र प्रहलाद ने की। अरे मैंने तुम्हारे पुत्र आलाद को अपनी छाती से लगा लिया था, अपना पुत्र बना लिया था उसे, तुम्हारी कमी का आभास उसे कभी होने न दिया था। परंतु तुम्हारे दुष्ट पुत्र प्रहलाद के कारण वो काल के जाल में समा गया। मैं तुम्हारे पुत्र प्रहलाद को कभी क्षमा नहीं करूंगी, कभी नहीं। हत्यारा है वो, हत्यारा। मेरा पुत्र अपने शत्रुओं पर भी दया करता है। अपने बैरियों का भी आदर करता है। वह कैसे अपने भाई का हत्यारा हो सकता है? पर वह हत्यारा है महारानी, हत्यारा है वो। उसी ने आलाद की हत्या की है। हाँ हाँ, उसी ने आलाद की हत्या की है। मैं प्रहलाद का सर्वनाश कर दूंगी, मार डालूंगी मैं उसे, मैं उसके शरीर को जलाकर भस्म कर दूंगी। नहीं माते, माते इधर देखो, मैं जीवित हूँ। पुत्र, पुत्र, मेरा पुत्र जीवित है, मेरा पुत्र जीवित है। तुम ठीक तो हो पुत्र? महाराज देखिए, मेरा पुत्र जीवित है, जीवित है मेरा पुत्र। माते, मेरा पुत्र, मेरे लाल, उसे दुष्ट। ये आप क्या कह रही है माताश्री? मेरे प्रिय अनुज प्रहलाद ने तो मुझे जीवन दान दिया है। मैं तो केवल आपको अपने जीवित रहने का समाचार भिजवा रहा था, पर अनुज प्रहलाद ने अनुरोध किया कि मैं स्वयं चलूं और एक माता अपने पुत्र को जीवित देख ले।
आप इसे झिड़क रही हैं? ये तो पुरस्कार का अधिकारी है। आपने मेरे अनुज को कुछ भी कहा तो मुझे बहुत दुख होगा माताश्री, बहुत दुख होगा। मुझसे भूल हो गई पुत्र, तुमने वास्तव में पुरस्कार योग्य कार्य किया है। तुम जो भी मुझसे मांगना चाहो मांग लो। भ्राताश्री को जीवन मिल गया, मेरे लिए यही सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह कैसे संभव है पुत्र? मेरे पुत्र आलाद ने मुझसे कहा है तो मुझे तुम्हें कोई ना कोई पुरस्कार तो देना ही होगा ना। तुम स्वयं अपनी इच्छा से कुछ मांग लो तो मुझे भी हर्ष होगा और आलाद को भी प्रसन्नता होगी। अब संकोच ना करो पुत्र, जो जी में आए वो मुझसे मांग लो। यदि आपकी यही इच्छा है तो मुझे अपना वह चमत्कार दिखा दीजिए जिसके चारों ओर चर्चा है। अग्निदेव ने आपको जो वरदान दिया है मैं अपनी आंखों से उसका प्रदर्शन देखना चाहता हूँ। कितनी सुंदर बातें करते हो तुम पुत्र, तुम वास्तव में बहुत ही भले और भोले बालक हो। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते थे, परंतु तुम्हारे मन में किसी भी वस्तु का लोभ नहीं। कितनी सुंदर इच्छा व्यक्त की है तुमने, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई पुत्र। मैं अवश्य ही तुम्हें अपने वरदान का प्रदर्शन दिखाऊंगी। कब? मैं बहुत व्याकुल हूँ देखने के लिए। पुत्र, मदनोत्सव सिर पर खड़ा है। उस दिन सारे असुर लोक में हर्षोल्लास होता है, समस्त नरनारी नृत्य करते हैं, मदिरा जल की भांति बहती है, सब रंग खेलते हैं और एक साथ भोजन करते हैं। बस उसी दिन मैं तुम्हें अपना चमत्कार दिखाऊंगी। मैं तुम्हें उस दिन एक और चमत्कार भी दिखाऊंगी। क्या बुआ श्री? उस दिन एक ऐसा अनुपम दृश्य दिखाई देगा जिसे संसार कभी भुला ना पाएगा। उस दिन का वही विशेष आकर्षण भी होगा। मदनोत्सव की रात्रि मैं तुम्हें साथ लेकर अग्नि में प्रवेश करूंगी। नहीं! नहीं! आज तो मुझे वास्तव में पुत्र प्रहलाद पर बहुत क्रोध आ रहा है। भोलेपन का यह अर्थ तो नहीं कि कोई जानबूझकर मृत्यु की गोद में जा गिरे। क्या हुआ महादेवी? सुना नहीं आपने, दुष्ट सिंहिका पुत्र प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश करना चाहती है और पुत्र प्रहलाद ये समझ रहा है कि ये खेल होगा। या वास्तव में सिंहिका उसे कोई चमत्कार दिखाना चाहती है? महादेवी, जिसके मन में खोट नहीं होती वो स्वयं को भी सच्चा समझता है और दूसरों को भी। पर ये तो भूल है कमल नयन, और मुझे भय है कि पुत्र प्रहलाद भी यही भूल कर रहा है। नहीं महादेवी, भूल प्रहलाद नहीं कर रहा है, भूल तो सिंहिका कर रही है। उसे इस बात का विस्मरण हो गया है कि वो एक भूल कर चुकी है, और जिसे अपनी भूल का विस्मरण होता है उसे उसका दंड अवश्य मिलता है। इतिहास रचा ही इसलिए जाता है महादेवी कि आने वाली पीढ़ियां ये देख सकें कि उनके पहले की पीढ़ियों ने क्या भूल की, और वो उस भूल को ना दोहराएं। यदि दोहराती हैं तो दंड पाती हैं, दुख झेलती हैं। सिहिका ने जो भूल की थी उसका दंड उसे मिला था उसके पुत्र आह्लाद की मृत्यु के रूप में, परंतु जैसे ही उसने अपने पुत्र को जीवित देखा उसे फिर से अपनी भूल का विस्मरण हो गया। इसलिए विश्वास रखिए महादेवी, सिहिका को अपनी भूल का दंड फिर से मिलेगा। परंतु प्रहलाद को भी तो यह स्मरण रखना चाहिए था कि सिंहिका उसे क्षति पहुंचाने की चेष्टा कर चुकी है। जानता हूं महादेवी, क्षति पहुंचाने वाले को दंड देना तो बहुत सरल है पर उसे क्षमा करना बहुत कठिन, और जो क्षति पहुंचाने वाले को क्षमा कर सकता है वो तो पूजनीय है, महान है। आपको तो अपने पुत्र पर गर्व होना चाहिए महादेवी कि उसका हृदय इतना विशाल है। मैं जानती हूँ कि मेरे पुत्र प्रहलाद का हृदय विशाल है, उसके विचार सुंदर हैं, और वो किसी को भी क्षति नहीं पहुंचाना चाहता। फिर भी सब उसके पीछे पड़े हैं, इसीलिए तो मैं चिंतित हो उठती हूँ। उसके पास सिवाय कयाधु के है कौन? आपका आशीर्वाद है महादेवी, आपका आशीर्वाद।
और जिसके साथ आप जैसी जगन माता का आशीर्वाद हो, उसे किसी से क्या भय हो सकता है। महादेवी, मैं तो आपको कई बार बता चुका हूं कि आपका आशीर्वाद ही प्रह्लाद की सर्वाधिक महान शक्ति है। असुर लोक वासियों सावधान, सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। भगवान हिरण्यकश्यपु ने घोषणा की है कि इस बार भी मदनोत्सव हर बार की भांति बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। भगवान हिरण्यकश्यपु सदैव की भांति अपनी समस्त प्रजा के लिए मांस मदिरा नृत्यादि की व्यवस्था करेंगे, परंतु इस बार मदनोत्सव का विशेष आकर्षण होगा भगवान की छोटी बहन कामरूप देश की महारानी सिंहिका की ओर से उन्हें अग्निदेव के दिए हुए वरदान का महान प्रदर्शन। महारानी सिंहिका राजकुमार प्रह्लाद को लेकर अग्नि में प्रवेश करेंगी। सारे असुर समुदाय का इस उत्सव में स्वागत है। आहा, ये तो चमत्कार होगा। इस बार मदन उत्सव का आनंद ही कुछ और होगा। ये कैसा उत्सव है कमल नयन? मांस मदिरा हुड़दंग, क्या इसे उत्सव कहते हैं? नहीं महादेवी, इसे उत्सव नहीं, आप असुर संस्कृति के असभ्य प्रदर्शन का नाम दीजिए। उत्सव तो नाम है आनंद की पवित्र भावना का। उत्सव नाम है ऋतुओं के आगमन का। जब प्यासी धरती पर वर्षा की पहली फुहार गिरती है और माटी से सोंधी सोंधी सुगंध उमड़ती है, तब उत्सव मनाया जाता है कि अब धरती की प्यास मिटी, अब खेती लहराएगी, हरियाली नाच उठेगी। जब माथे पर पसीने की नन्नी नन्नी बूंदे फूटती हैं, तब उत्सव मनाया जाता है कि शरीर को कपकपाने वाली शरद ऋतु से पीछा छूटा। जब धूप भली लगने लगती है और समीर का झोंका मन में आह्लाद निर्माण करता है, तब उत्सव मनाया जाता है महादेवी, कि झुलसाने वाली ग्रीष्म ऋतु का अंत हो गया। यही तो मैं भी कहती हूँ कमल नयन, उत्सव वो है जो आत्मा को शांति दे, जो सारे नगर का जीवन अस्त व्यस्त कर दे, जिसमें मदिरा पीकर सब अपनी सुध-बुध खो बैठे, वो उत्सव नहीं कोरा हुड़दंग है। परंतु मुझे सिंहिका की चालों से चिंता हो रही है। वो मेरे पुत्र को लेकर अग्नि में प्रवेश करना चाहती है। मैं जानती हूँ कि उसके मन में क्या है। परंतु आपके पुत्र के चेहरे पर तो कोई चिंता दिखाई नहीं पड़ती। उसने तो अपनी सारी चिंताएं आप पर छोड़ दी हैं। तो आप भी अपनी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दीजिए ना महादेवी। क्या हुआ भाभी श्री? मुझे बहुत चिंता हो रही है सिंहिका। किस बात की चिंता? तुम मेरे पुत्र को लेकर अग्नि में प्रवेश करोगी? तो क्या हुआ, मैं तो अग्नि में पहले भी प्रवेश कर चुकी हूँ और आप देख चुकी हैं कि अग्नि की लपटें मेरे शरीर को छू भी ना सकी। तुम्हारी बात और है, अग्नि देव ने तुम्हें वरदान दिया है, फिर तब तुमने अकेले ही अग्नि में प्रवेश किया था। इस बार मेरा पुत्र प्रह्लाद भी तुम्हारे साथ होगा। तो क्या हुआ? अग्नि देव ने तुम्हें वरदान दिया है, मेरे पुत्र को तो नहीं। अरे भाभी श्री, जब अग्नि मुझे नहीं छू सकेगी तो जो मेरे साथ होगा उसे कैसे छू सकेगी? उसे कुछ नहीं होगा, तुम अकारण ही चिंता कर रही हो। तुमसे अधिक साहसी तो तुम्हारा पुत्र है, उसे तो कोई चिंता नहीं। वह तो बड़ी व्याकुलता से उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा है जब मैं उसे लेकर अग्नि में प्रवेश करूंगी। वो तो बच्चा है, वो बेचारा क्या जाने। वो उत्सुक है कि जो अवसर मृत्यु के पश्चात आता है उसे जीते जी देखने को मिल जाएगा। तुम उसकी चिंता छोड़ दो और जो होगा स्वयं अपनी आंखों से देख लेना। नहीं, मैं नहीं देख सकूंगी। अपने पुत्र को अग्नि में प्रवेश करते हुए देखना मेरे वश की बात नहीं, मैं वहां नहीं आऊंगी। तुम्हारी इच्छा,
अच्छा मुझे तैयारी करनी है, मैं चलती हूँ। माताश्री तुम्हें लेकर अग्नि में प्रवेश करने वाली है। मैं तो एक एक पल गिन रहा हूँ, शीघ्र आए वो घड़ी जब मैं वो चमत्कार देख सकूं। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो? वो अशिक्षित है, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं उनकी रक्षा में रहूंगा। और तुम्हें विश्वास है कि ऐसा ही होगा? हाँ, अग्निदेव का वरदान है उन्हें। पर तुम्हें तो नहीं है, तुम्हें कोई चिंता नहीं? मैं तो इतना जानता हूँ कि वही होगा जो मेरे विष्णु की इच्छा है, फिर मैं चिंता क्यों करूं? इतना विश्वास है तुम्हें अपने विष्णु पर? इससे भी अधिक। क्या उन्होंने तुम्हें कोई शक्ति प्रदान की है? उन पर अटूट विश्वास ही तो मेरी शक्ति है। जो भी तुम्हारे विष्णु पर अटूट विश्वास रखेगा, क्या उसे शक्ति प्राप्त होगी? अवश्य भ्रातृश्री, संसार में तो सारा खेल विश्वास ही का है, विश्वास ही तो शक्ति देता है। मुझे भी दे सकता है? हाँ हाँ, तुम्हें भी दे सकता है। यदि ऐसा है तो मुझे भी अपने विष्णु पर विश्वास करना सिखाओ। पुत्र प्रहलाद, तुम तैयार हो? हाँ बुआशी, मैं कब से तैयार खड़ा हूँ, चलिए। चलो पुत्र। किंतु तुम्हारी माताश्री तो आ ही नहीं रही। क्यों? उन्हें भय लग रहा है। भय? किस बात का भय? उन्हें अग्निदेव के वरदान पर विश्वास नहीं है? मैंने भी उनसे यही कहा, किंतु उनका ये भय दूर ही नहीं हो रहा। मैं उनके पास जाऊंगा, मैं उन्हें लेकर ही आऊंगा। हमारी बात बीच में रह गई भ्रातृश्री, मैं उस शक्ति के विषय में इस प्रदर्शनी के बाद ही बताऊंगा। अच्छा अनुज, इस प्रदर्शनी के पश्चात तुम्हें किसी से कुछ भी कहने का अवसर नहीं मिलेगा। बुआशी कह रही थी कि तुम प्रदर्शनी में नहीं आओगी। हाँ पुत्र, वो सत्य कह रही थी। परंतु क्यों? मुझे बहुत भय लग रहा है। भय? तुम एक साहसी पुत्र की साहसी माता हो ना? केवल माता हो पुत्र, और कौन माता अपने पुत्र को आग की लपटों में घिरा देखेगी? और तू भी तो मूर्ख है, तेरी जिस बुआ ने तुझे सर्पकुंड भेजकर मरवाना चाहा था, उस पर फिर विश्वास कर लिया तूने? मुझे बुआशी पर नहीं, अपने वासुदेव पर विश्वास है, आप क्यों नहीं मेरे विष्णु पर विश्वास करती? करती हूँ पुत्र, करना चाहती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन पर अब तक जितने प्रहार हुए उन सब से तुम बच निकले, परंतु पुत्र तुम्हारे विरोधी बहुत ही शक्तिशाली हैं। मेरे विष्णु उनसे अधिक शक्तिशाली हैं, वह सदैव मेरी रक्षा करेंगे। पुत्र, ममता की भावना को तुम नहीं समझ सकते, सब कुछ समझते हुए भी मेरी ममता के पांव डगमगा जाते हैं, यह भय पीछा नहीं छोड़ता कि यदि इस बार तुम न बच पाए तो क्या होगा, मैं क्या करूंगी पुत्र? जब ये ध्यान आता है तो मेरी शक्ति टूट जाती है, मैं क्या करूं पुत्र?
कहां से लाऊं मैं तुम्हारे जैसी शक्ति? जैसा अटूट विश्वास है मुझे अपने विष्णु पर, वैसा ही अटूट विश्वास आप भी जगा लीजिए। मेरी जैसी शक्ति आपको मिल जाएगी। अब बताइए, आप आएंगे ना चमत्कार देखने? पुत्र, आपको मेरी सौगंध, आपको आना ही पड़ेगा। पुत्र, पुत्र, घातक, अत्यंत घातक, वो दुष्ट प्रहलाद दिन प्रतिदिन मेरे लिए घातक होता जा रहा है सिंगिका। आज तो मुझे भी विश्वास हो गया कि यदि प्रहलाद जीवित रहा तो मुझे भी अपने पुत्र आह्लाद से हाथ धोना पड़ेगा। मुझे प्रहलाद से उसकी बातचीत सुनकर भय लग रहा है भ्राताश्री, कि जिस प्रकार प्रहलाद आपसे विद्रोह कर रहा है, कहीं एक दिन उसी प्रकार मेरा आह्लाद मुझसे विद्रोह न कर बैठे। इसीलिए मैं उस दुष्ट के जीवन का अंत करना चाहता हूं सिंगिका, क्योंकि यदि वो जीवित रहा तो दिन प्रतिदिन मेरे विरोधियों की संख्या बढ़ती जाएगी। और जो हमारे विरोधी होंगे वे हमारे भ्रातृषि हिरण्याक्ष के हत्यारे विष्णु के प्रशंसक हो जाएंगे। मुझे तो ये भी आशंका हो रही है भ्रातृषि, कि कहीं प्रहलाद मेरे पुत्र आह्लाद को विष्णु के प्रेम जाल में फांस न ले। भ्रातृषि, मैं तो यही देखकर सहर उठी थी कि मेरा पुत्र प्रहलाद की बातों से प्रभावित हो रहा है। जानता हूं बहन, भली भांति जानता हूं। उस दुष्ट की वाणी बहुत सुंदर है, वो अपनी मीठी मीठी बातों से किसी को भी बहका सकता है। इसीलिए उसका अंत आवश्यक है, इसीलिए उसका अंत अत्यंत आवश्यक है। मैं आपसे सहमत हूं भ्राताश्री, विश्वास कीजिए अग्नि के इस खेल से वो जीवित बाहर नहीं आएगा। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है सिंगिका, किंतु यदि वो जीवित रहा तो मेरा जीवन संकट में पड़ जाएगा। ऐसा नहीं होगा भ्राताश्री, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। हे कमलनयन, सुना आपने पुत्र प्रहलाद ने अपनी माता से क्या कहा? वो कह रहा है कि भक्ति की भावना ही सबसे श्रेष्ठ है, ममता की भावना उसके आगे कुछ भी नहीं। कुछ बहुत अनुचित बात तो नहीं कर रहा आपका पुत्र महादेवी? आप तो इस सत्य से भलीभांति परिचित हैं कि सृष्टि में ईश्वर के अस्तित्व के अतिरिक्त बाकी सब कुछ माया है। मोह माया में फंसना अर्थात अपने जीवन के लक्ष्य को भूलने के समान है, और जीवन का तो यही लक्ष्य है महादेवी कि अपने भीतर छिपी हुई ईश्वरी शक्ति को ढूंढकर बाहर निकालना, अपने भीतर छिपे हुए ईश्वर को ढूंढना। मोह तो भ्रमित करता है महादेवी, और फिर भटकाता है, फिर वो मोह चाहे धन का हो या संतान का। परंतु हे दया सागर, माता और पुत्र का स्नेह तो आपकी दी हुई सुंदर देन है। अवश्य है महादेवी, परंतु कोई भी स्नेह अधिक महान नहीं होता। जीवन का तो वास्तविक उद्देश्य ही है कि ईश्वर के प्रेम में अहम को भूल जाना, क्योंकि ईश्वर से प्रेम हर प्रेम का स्रोत होता है। जिस प्रकार मरुस्थल की रेत दूर से जल के समान चमकती है, परंतु निकट जाकर ही यह ज्ञात होता है कि वो तो सूखी रेत है, जल नहीं, उसी प्रकार हर मोह निकट से केवल एक भ्रम सिद्ध होता है महादेवी। ईश्वर से प्रेम ही जीवन के उद्धार का कारण होता है। आपका पुत्र कयाधु की ममता से अपना मुंह नहीं मोड़ रहा महादेवी, वो तो केवल ममता की धारा को भक्ति की ओर मोड़ने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि भक्ति में ही शक्ति होती है।
लीजिए, आपके पुत्र की परीक्षा की घड़ी आ गई। प्रणाम भ्राताश्री। कहाँ है वो दुष्ट मेरा बैरी, मेरा विरोधी? भाभी श्री को लेने गया है, वह इस उत्सव में आना ही नहीं चाहती थी, परंतु प्रहलाद चाहता है कि उसकी माता भी इस अनुपम दृश्य को देखे। अभी उन्हें लेकर आता ही होगा। सिंगिका, उसकी मृत्यु अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक। इस बार वो बचना नहीं चाहिए। नहीं बचेगा भ्राताश्री, आज आप अग्नि की लपटों का अद्भुत खेल देखेंगे। वही अग्नि जो मेरे शरीर को छू भी ना पाएगी, देखते ही देखते उसकी लपलपाती जीभ प्रहलाद के शरीर को चाट जाएगी। कुछ ही पलों में उसकी कोमल काया को राख में परिवर्तित कर देगी और वायु के झोंके उस राख को उड़ा ले जाएंगे। महारानी का याद हो, युवराज आह्लाद और राजकुमार प्रहलाद पधार रहे हैं। माते, मैं आपके चरण छूकर
संसार के मातृत्व के चरण छू रहा हूँ। संसार की सारी माताएं पूज्य है, मुझे आशीर्वाद दीजिए माते। आयुष्मान भवा पुत्र, आयुष्मान भवा। चिरंजीवी भवा पुत्र। चलो पुत्र। वो घड़ी आ ही गई पुत्र, जिसकी तुम बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे, मेरे भी जीवन की अनमोल घड़ी, तुम्हारे जीवन की अद्भुत घड़ी पुत्र। जो भी इस चमत्कार को देखेगा भूल नहीं पाएगा, और जो भी इस चमत्कार की चर्चा सुनेगा सिहर उठेगा। रहते महाप्रलय तक आज की इस प्रदर्शनी की चर्चा रहेगी। चलो पुत्र। पाप नहीं फलता कभी, यही जगत की रीत। पुण्य के पथ पर जो चले सदा उसी की जीत। जिसके मन ईश्वर बसे आँच न उस पर आए। जग बैरी हो जाए पर उसको मार न पाए, उसको मार न पाए। जो सुने